फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आप लोगों को राउंडर की हेल्प से यहाँ पर 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। मैंने आपको मेजरमेंट बता दिया, 3 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पर रेडियस लिया हुआ है और अब मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। सर्कल ड्रॉ करने के बाद गाइज, अब आप लोगों को यहाँ पर इसके सेंटर, वही सेम सेंटर पॉइंट से 0.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक और कॉन्सेंट्रिक इसके अंदर सर्कल ड्रॉ कर लेना है। बिल्कुल छोटा आपको ड्रॉ करना है, जितना छोटा आपसे हो सके उतना। मेरे कंपास से जितना छोटा हो रहा था, मैंने उतना छोटा सर्कल ड्रॉ कर लिया है। देन गाइस, आप लोगों को यहाँ पर देखिए इसके साइड साइड की एजेस पर कुछ इस तरह की लाइंस ड्रॉ करनी है। मैंने लाइटली यहाँ पर डॉट ड्रॉ कर लिए हैं ताकि आपको ज़्यादा मैं अपना हैंड यहाँ पर लगा के ड्रॉ ना करूँ, इसलिए सिंपली यहाँ पर मैंने सिंपली डॉट्स ड्रॉ कर लिए हैं। आपको भी थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करनी है। मैं टोटल आपको नंबरिंग बता देता हूँ, आपको 9 ब्लॉक्स में डिवाइड करना है इसे, यानी कि 9 यहाँ पर सेक्शंस बनेंगे इस सर्कल के। देन आफ्टर गाइज, आप लोगों को यहाँ पर देखिए, ये मैं दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पर इसके ऊपर के पोर्शन पर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह की सर्कुलर ओवल स्ट्रक्चर्स, और देखिए इसे थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को ले जाएंगे। देखिए जैसे जैसे ऊपर वो जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। सेम हम यहाँ पर कर रहे हैं। आपको हर एक लाइन पर, जो ये लाइन हमने ड्रॉ की है, पर लाइन पर एक ड्रॉ करना है। टोटल 9 हमने ड्रॉ किए हैं। अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको किसी और डायग्राम में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। नाउ गाइस, लास्ट वन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। कुछ इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें सिंपली इन्हें ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने का सिस्टम बिल्कुल सिंपल है। आप लोगों को पहले इसके अंदर कुछ इस तरह के देखिए शेड कर देने हैं। मैं डार्क शेड कर रहा हूँ, आप लाइटली शेड कीजिएगा। इनके अंदर कुछ इस तरह के सर्कल्स आपको शेड कर देने हैं। मैं इसलिए डार्क शेड कर रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से प्रॉपरली शो हो। हो सकता है आपको लाइट बहुत ज़्यादा दिख रहे हो ये, इसलिए मैं थोड़ा डार्क ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल हल्की पेंसिल के साथ इसे ड्रॉ करना है। अंदर एक एक सिंपली आपको थिक डॉट ड्रॉप प्लेस कर देना है, बिल्कुल इसी के शेप का। मैं यहाँ पर वीडियो को फास्ट कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे ड्रॉ कर लीजिए। तो हम लोगों ने ये सारे ड्रॉ कर लिए हैं। अब आप लोगों को सिंपली यहाँ पर ऊपर के पोर्शन को नीचे से कनेक्ट करना है। देखिए जो हमने यहाँ पर ये सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से ड्रॉ करना है, कनेक्ट कर देना सिंपली लाइन की हेल्प से। देखिए इसके टॉप को बॉटम से कनेक्ट कर रहा हूँ दूसरे वाले के, वैसे ही अब इसके बॉटम को टॉप से कनेक्ट कर देना है। काफ़ी सिंपल पैटर्न है इसका, सिंपली आपको बॉटम को टॉप से कनेक्ट करना है। तो गाइस कुछ इस तरह से हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इस डायग्राम को थोड़े टाइम के लिए प्ले कर देता हूँ ताकि अगर आपका इनकम्प्लीट रहेगा तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। देन गाइस हम लोग फर्दर लेबलिंग करेंगे। देन आफ्टर गाइस ये हमारा लेबल डायग्राम हो जाएगा कम्प्लीट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने साथ साथ वाले बेल आइकन को टर्न ऑन करना मत भूलेगा। और अगर आपको किसी और चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।